अभी भी ये म्यूजिक सुन रहे होगे, और काफ़ी लाउड म्यूजिक यहाँ पे कुछ पब के अंदर चलता है। ये मैप है, यहाँ से चल के ये यहाँ से मरीना बे तक जाएगी। ताकि ये बोट है, ये सामने वो चल गई है, तो हमारे लिए बोट अभी चलेगी थोड़ी देर में। तो दिस इज़ अ व्यू ऑफ कलाकी। तो अभी इसको एकदम गुलेल की तरह हवा में आसमान में उड़ा देंगे। ये देखिए बहुत हाई राइज बिल्डिंग सिंगापुर की, बिजनेस सब है ये सिंगापुर। और लोग गोइंग बैक टू द लकी के, तो राइट 20 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी 20 मिनट वापस जाने में लगेंगे। तो चलते हैं वापस, जाएंगे कहीं पर खाना खाया जाए, खाने का कुछ जुगाड़ किया जाए, जुगाड़ करना पड़ेगा खाने का। बस भूख लगी है, सुबह दौड़ रहे हैं पेट में। तो यहाँ पे बोट राइड जो है वो ट्राई करते हैं। आप तब तक ये देख लीजिए, ये क्लाकी क्यू है सिंगापुर के। यहाँ पे बहुत सारे पब्स हैं और खाने पीने का सामान जो है, ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, जो कि सैटरडे संडे पूरा फुल रहता है। अभी भी ये म्यूज़िक सुन रहे होगे, और काफ़ी लाउड म्यूज़िक यहाँ पे कुछ पब्स के अंदर चलता है। ये पब्स हैं, उसके बाहर रेस्टोरेंट्स हैं, ये देखो करोके हैं यहाँ पे, करोके म्यूज़िक इसमें चलता है और आप डांस कर सकते हो। और काफ़ी लोग यहाँ पे, इट्स मोस्ट हैपनिंग प्लेस, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे और एंजॉय करते हैं इवनिंग्स में ज़्यादातर। दिन के टाइम तो ये खाली रहता है। तो ये देख लो, काफ़ी बार आया हूँ तो, लेकिन क्लाकी हर बार नहीं आता हूँ। तो लास्ट टाइम जब आया था सिंगापुर तो मैं क्लाकी नहीं आया था, तो अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने कहा चलो क्लाकी चलते हैं शाम के टाइम में, और बोट राइड भी अगर ले लेंगे अगर मिल जाएगी तो। यहाँ पे एक फेमस आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम भी मिलती है यहाँ पर, वो जो बोलते हैं इसराइल कौन सी वाली एक आइसक्रीम है, वो जो मैजिक करते हैं जिसमें बताते हैं, तो वो वाली आइसक्रीम है। तो ये मेरे पीछे देखो तो राइट हैंड साइड में ये बंदा जो है, ये वही वाला है। तो ये आइसक्रीम वो घुमा हुआ के देते हैं। तो ये रिवर सिंगापुर रिवर क्रॉस की है, ये टिकट लगी हुई है यहाँ पर, बहुत लंबी लाइन है। और चाइना के हैं, मैक्सिमम चाइना के लोग हैं यहाँ पर। तो देखता हूँ अगर क्यूब देखता हूँ, ये है सिंगापुर रिवर। ये मैप है, यहाँ से चल के ये यहाँ से मरीना बे तक जाएगी और यहाँ से वापस आएगी 40 मिनट्स में। और $35 जो है ये एडल्ट के लिए है और $15 है चाइल्ड के लिए। तो देखते हैं, राइड लेते हैं। सो ये है, यहाँ से टिकट ले लेते हैं। रात को जो है इसमें और लाइट्स वगैरह की वजह से काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है। तो अभी मैं रेड लाइन में भी बोला है लगने के लिए, तो अभी रेड लाइन में लगता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ से बोट्स, ये रात का व्यू है, बादल थे
आज काफ़ी बारिश हुई है शाम को बहुत तेज, और उससे थोड़ा सा मौसम जो है हल्का ठंडा मौसम है, तो ये रेड लाइन में मैं आगे लग गया हूँ। रेड लाइन में बोर्ड कर रहे हैं, ये है हमारी बोट। बाहर बैठते हैं, बाहर से व्यू अच्छा, चांसेस हैं यहाँ। सॉरी ये है व्यू, तो इस तरह की ये बोट है, ये सामने वो चल गई है, तो हमारी वाली बोट अभी चलेगी थोड़ी देर में। तो दिस इज़ अ व्यू ऑफ कलाकी सिंगापुर। बोट में बैठ गए हैं, अंदर बैठने के लिए भी जगह है, लेकिन मैं बाहर बैठा हूँ ओपन में। तो अभी ये बोट जो है चल गई है, और नहीं कुर्सी कम है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। और ये होती है बोट स्टार्ट, तो देखते हैं अभी नज़ारा बोट का। आसमान में अभी भी बादल हैं, तो बारिश कभी भी आ सकती है। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, और सिंगापुर रिवर ये देख के हमारे हरिद्वार में गंगा हर की पौड़ी का याद आ गया, तो उसका कुछ ऐसा ही नज़ारा नज़र आता है जब आप जाते हैं हर की पौड़ी हरिद्वार में। ये है कलाकी की, यहाँ से अभी हम जाएंगे मरीना बे, और मरीना बे से फिर वापस कलाकी की। तो 40 मिनट्स में ये हम तय करेंगे सफ़र, और इसमें व्यूज देखते हैं। ये तो ब्रिज आ गया ऊपर, देखिए कलरफुल ब्रिज। ये है रिवर साइड पॉइंट, ये बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। सिंगापुर में आप इतनी ठंडी हवा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो बारिश की वजह से जो आज तूफान आया शाम को, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है। थोड़ा डार्क है, अंधेरा है, तो मैनेज कर लो। तो ये है जबरदस्त व्यू कलाकी क्यू का। ये देखिए यहाँ पे ये कई मूवीज़ की, बॉलीवुड मूवीज़ की और दूसरी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है इस जगह पे। वहाँ पे एक ये मूवी थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की, वेलकम या कुछ, तो उसका ये जो सामने जो ये रेस्टोरेंट है यहीं पे वो शूटिंग हुई थी उस सीन की। अगर आप अपने देखी हुई मूवी यहाँ दोबारा से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पे वो शूटिंग हुई थी। ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है कुल मिला के, और अभी ये राइड शुरू हो गई है मरीना बे तक जाने के लिए। उसने अपना बोट ने अपनी स्पीड पकड़ ली है, तो अभी हम जा रहे हैं। ये देखिए delightful waterfront dining oasis that boasts its very own micro brewery.
Perhaps you'd like to return my friend to explore all these fun possibilities. Did you know that paths along the slip order mean that one continuous looping promenade connects everything you see along the riverbanks? Take a leisurely stroll and soak in the atmosphere with a 6-kilometer promenade that's like very colorful. ये एक बहुत ही बड़ी सी एक बोर्ड नज़र आ रही है, ये भी जाती हुई कहीं पे पार्टी बोर्ड लग रही है, और ये एक और है पार्टी बोर्ड, तो ये वाली थोड़े ग्रुप बुकिंग के लिए ये वाली बोर्ड यूज़ करते हैं जब काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गई तो, अंदर इसमें बाहर भी बनी हुई है तो साथ में खाना भी सर्व करते हैं इसमें। तो ये देखिए एक और जो बोट है आ रही है वापस, बोट ही बहुत अच्छी बोट बनाई हुई है इन्होंने। ये जो चार आपको पिलर नज़र आ रहे हैं सामने वाइट कलर के, तो यहाँ पे जो रिवर्स बंजी है वो यहाँ पे होती है। तो अभी कुछ कोई नज़र आ रहे हैं मुझे उसमें बैठे हुए, मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ अगर आपको कुछ नज़र आए तो। ये देखो ये एक गोल ट्रॉली सी है, यहाँ पे लाइट जल रही है वहाँ पे, तो गोल सी है ये, तो अभी इसको एकदम गुलेल की तरह हवा में आसमान में उड़ा देंगे। तो इसमें चीखें ही सुनाई देती हैं, इसमें भी लोग जब नीचे आते थे तभी पता चलता है कि वो सही सलामत है या नहीं है। तो ये देखिए कितनी हाइट है इसकी, और जितनी ये हाइट है इसी से डबल हाइट में गुलेल की तरह जो अंदर बैठा हुआ है इसमें वो जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, ये रिवर क्रॉस रिवर जो ये बोट है ये, इसकी राइड आप एसेस करूँगा रात को लीजिए, रात को कलरफुल व्यू नज़र आता है सिंगापुर का, और दिन में तो जाना दिन में भी अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपको मल्टी कलर्ड लाइट्स वगैरह देखनी है तो रात का जो है, और आपको थोड़ा ठंडा भी रहता है मौसम शाम को, तो शाम को अगर आप गर्मी से बचना चाहते हो धूप से पसीने से तो आप शाम को बोट राइड ले सकते हैं। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, इसमें देखिए अब पहला ब्रिज था उसमें अलग कलर था, दूसरे में अलग कलर था, अब ये तीसरा ब्रिज आ रहा है तो उसका भी अलग, हर एक ब्रिज पे इन्होंने अलग अलग कलर की जो है लाइट्स, ये देखो इसमें ये अभी रेड कलर का आ गया है, अलग अलग कलर की लाइट लगी हुई है, और ऊपर आप थोड़ा थोड़े टुकड़ों में आप बादल भी देख सकते हैं, तो आसमान में अभी भी बादल हैं ये ऊपर को, ये बादल, तो ये कभी भी बरस सकते हैं। तो चांद भी देख लीजिए, चांद भी नज़र आ रहा है सिंगापुर का चांद ये रहा, और ये आगे वापस हम अपने बोट राइड पे। ये देखिए बहुत हाई राइज बिल्डिंग सिंगापुर की, बिजनेस हब है ये सिंगापुर, आप लोगों को जिनको नहीं पता है, कुछ लोगों को जिनको नहीं पता वो जान लीजिए, बहुत जबरदस्त काफ़ी बड़ा बिजनेस हब है। और ये देखिए बिल्डिंग्स, ये सामने FWD की बिल्डिंग है ये वाली, और उसके साथ में ये सिंगटल की है बिल्डिंग सेकंड वाली, थर्ड वाली ये OCBC बैंक है, और ये जो सबसे लंबी बिल्डिंग है ये UAB बैंक की बिल्डिंग है। तो ये देखिए, तो ये लेफ्ट साइड में ये है सबसे कॉस्टली होटल सिंगापुर का, फ्लोरेटन होटल है, द फ्लोरेटन होटल, ये मरीना बे के बिल्कुल सामने है, और जो ये है मरलाइन है वो भी इसके बिल्कुल सामने ही है रोड क्रॉस करते ही, तो ये सबसे कॉस्टली होटल है सिंगापुर का। Today the banks of Boki and Shaw houses turned into restaurants, and long ago this signaled the owner's wealth. In other words, the higher the building, the wealthier the owner. Perhaps these traditional beliefs have extended till today. Just take a look at the tall skyscrapers of Singapore's financial district towering over the Boki Shaw houses.
this is the perfect place for snapping pictures. So enjoy the three-eyed Apollo Bridge. You'll see a group of many boys jumping into the river. Don't worry about jumping in to save them. They're actually incredibly lifelike bronze sculptures showing the scene from the river's past. The children can stand and wave cheekily to the houses. One afternoon, they take off all their clothes and jump in for a cool afternoon swim. ये लोग बता रहे थे कि जितनी भी ऊँची जितनी ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग है वो उतना ही वेल्थी कंपनी है. अब देख लो सबसे ऊँची बिल्डिंग तो यूओबी बैंक की है, इसका मतलब है वो काफ़ी रिच बैंक है. तो एक अच्छी खबर पता चली है. ये है मैं पीछे, ये देखो ये फ्लोरेंटाइन होटल, ये वाला पीछे राइट हैंड साइड में, तो ये है सबसे कॉस्टली वाला. अभी ओल्ड ब्रिज आ गया है जिसके नीचे से हम निकल रहे हैं और अंधेरा हो गया पूरा. और अभी हम मरलाइन पहुंच गए हैं जहाँ पे कभी आपने देखा होगा सिंगापुर की पिक्चर्स में कि वो एक शेर जो है उसके मुंह से पानी निकल रहा है, आधा शेर है आधा इंसान है, उसको मरलाइन बोलते हैं. हम वहाँ पे पहुंच गए हैं तो अभी मैं आपको मरलाइन का व्यू दिखाता हूँ. और ये सामने जो है वो सिंगापुर फ्लैग है, सिंगापुर आई जैसे लंदन आई है तो वैसे ही सिंगापुर आई है सिंगापुर फ्लैग. और ये है यहाँ जो सबसे फेमस फ्रूट है सिंगापुर का, तो ये डोरियन, तो उसके जैसे आकार की ये बिल्डिंग बनी हुई है, इसको एस्प्लेंडे बोलते हैं इस बिल्डिंग को. और अभी राइट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो तो ये है सिंगापुर आई और इसके अभी राइट हैंड साइड में मरीना बे सैंड्स आ रहा है. तो ये देखिए आने वाला है मरीना बे सैंड्स. ये है व्यू ऑफ मरीना बे सैंड्स होटल जो है, उसकी रूफ पे एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है. तो अगर मुझे टाइम मिला तो अगले इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको इसके टॉप पे जाके इसका जो पूल का जो व्यू है ऊपर से क्या व्यू आता है सिंगापुर का वो भी दिखाऊंगा. देखिए कितना सुंदर लग रहा है. और गार्डन बाय द बे भी जो ये लेफ्ट साइड में एक जो छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वाली, और इसके मरीना बे सैंड के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे गार्डन बाय द बे है. यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं, एक तो गार्डन बनाया हुआ है आर्टिफिशियल, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पेड़ बना के उसमें रियल वाले जो पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए हुए हैं, तो वो भी देखने वाला काफ़ी अच्छी है. अच्छी है मरलाइन. तो अभी इसके मुंह में पानी नहीं आ रहा है, अभी ऐसे ही है, पर थक गया मेरे ख्याल में सुबह से पानी फेंक फेंक के. ये मरलाइन, ये है मरलाइन. और ये व्यू है देखिए क्या जबरदस्त 3D व्यू है. ये सिंगापुर देखिए, दिस इज़ अ व्यू, अमेजिंग अमेजिंग. चल रहे हैं यहाँ पे मरीना बे सैंड्स के साथ में.
们就顶上来就来一个爱爱就方便多一点啊。We are going back to the Lucky Cave. So right, 20 minutes हो गए हैं तो अभी 20 minutes वापस जाने में लगेंगे. तो ये यहाँ व्यू मरीना बे सैंड्स का और ये देखिए ये है इधर सिंगापुर फ्लाई और अभी यहाँ पे मरलाइन आएगा जिसके मुंह से पानी निकलता है तो मैं दिखाता हूँ. तो इस समय ऐसे बंद है वो उसमें पानी नहीं आ रहा लेकिन मरलाइन वहीं पे मरलाइन वहीं पे खड़ा है अभी तक. यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, इंडियन खाना मिलता है जो कि ओवर प्राइज्ड है, ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है. तो अगर आप खाना चाहे तो आप खा सकते हो यहाँ पे, बट ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एक इधर भी कुछ है, ये कले थाई, तो ये थाई कुजीन लग रहा है मुझे. तो ये भी अपने काम का नहीं है. तो रेस्टोरेंट बार तो बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन खाना जो है जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी यहाँ पे आके खाना नहीं खा सकता. इस तरह का खाना यहाँ पे मिलता है. तो आप कुछ और बंदोबस्त कर सकते हो, अपना साथ में कुछ लेकर आ जाओ, अदरवाइज़ जो है यहाँ घूमो लाकी और उसके बाद में कहीं वापस किसी और जगह पर जा के वहाँ पर आप खाना खा लो, वही बेस्ट है. सारे दोनों तरफ पब हैं तो अपने खाने का कुछ मतलब भी कुछ तो है नहीं यहाँ पर. इधर क्या है तो इधर तो कुछ नहीं है, तो चलते हैं वापस, जाए कहीं पर खाना खाया जाए, खाने का कुछ जुगाड़ किया जाए, जुगाड़ करना पड़ेगा खाने का. बस भूख लगी है, सुबह दौड़ रहे हैं पेट में. और ये आइसक्रीम है, पहले यहाँ पे दूसरी आइसक्रीम एक आंटी बेचा करती थी, वो बंद हो गई है. यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली जो है चेंज होता है यहाँ पे सिंगापुर में. इस बार आप आओगे तो एक शॉप देखोगे, तो अगली बार आओगे तो वो शॉप नहीं मिलेगी, इसलिए आपको कोई कन्फर्म नहीं बता सकते कि हाँ भाई यहाँ पे अभी ये चीज़ है. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हो तो तब वो मिलेगी नहीं या नहीं मिलेगी, लेकिन चांसेस हैं कभी कभार मिल जाती है, कभी ये है कि कभी नहीं मिलेगी. ज़्यादा क्राउडेड रहता है. अभी आज मंडे है फिर भी यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है. ये लोग अंदर रेस्टोरेंट है और बाहर जो है वो बैठ के तो खाना खा रहे हैं, जो कि बहुत ही हमारे समय से बाहर वाला खाना है, कुछ पता नहीं क्या है. ये था इलाके के सिंगापुर. तो बहुत भूख लगी मुझे देख देख के सब लोग खाना खाते हुए, तो अब मैं भी आ रहा हूँ कहीं पे, कहीं देखते हैं इंडियन वेजिटेरियन का रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना खाया जाएगा. ऐसे वाला ऑटो रिक्शा है
है जिसमें आप राइड ले सकते हो, तो उसमें लाइट्स वगैरह जलती हैं और ऐसा वाला, ऐसे देखो इस तरह का है ऑटो रिक्शा।